हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपके 12th के एग्ज़ाम्स फिनिश हुए हैं और मैं जानता हूं आप अपने रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे। लेकिन अभी ये जो समय है, इस समय में आप अपने टारगेट को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेट करें और मैं बताऊंगा कि आप 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन लेकर के जल्दी से जल्दी जॉब ऑब्टेन कर सकते हैं। यह सब जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नाउ द नंबर वन कोर्स इज MBBS। यह कोर्स 5.5 ईयर ड्यूरेशन का होता है। इसमें स्कोप जो है आप जानते ही हैं कि आप वेरियस हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, बायोमेडिकल कंपनीज, नर्सिंग होम्स, मेडिकल कॉलेजेस एंड टीचिंग और रिसर्च के क्राइटेरिया में जॉब ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स इज BBSC and AH। इसका फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। यह कोर्स भी 5 ईयर्स का होता है। इसमें वेरियस स्कोप इस प्रकार से है कि आप इसके अंदर वेटरिनेरियन असिस्टेंट, फिजिशियन, फूड इंस्पेक्शन स्पेशलिस्ट, सर्जन, फार्माकोलॉजिस्ट और टीचिंग और रिसर्च के तहत आप जॉब ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स इज BDS, मींस बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यह कोर्स भी दोस्तों 5 ईयर का होता है और इसका स्कोप जो है आप डेंटिस्ट के फॉर्म में, सर्जन, डेंटल हेल्थ कंसल्टेंट, ओरल पैथोलॉजिस्ट, टीचिंग एंड रिसर्च, आप इस फील्ड में जॉब ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स इज द BAMS, मीन्स बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यह कोर्स 5.5 ईयर का होता है दोस्तों। इसमें आप डॉक्टर्स बन सकते हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, और इसके अलावा आप क्लिनिकल प्रैक्टिस, एकेडमिक्स, रिसर्च, एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में आप जॉब ऑब्टेन कर सकते हैं BAMS करके। नेक्स्ट कोर्स जो होता है दोस्तों BSMS, मीन्स बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। यह भी कोर्स 5.5 ईयर का होता है और इसके तहत आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं या सिद्धा कंसल्टेंट बन सकते हैं, असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर, या आप टीचिंग और रिसर्च फील्ड में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स जो होता है दोस्तों BUMS, मीन्स बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यह भी 5.5 ईयर का होता है और इसमें आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और एज अ डॉक्टर इन प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, और यू कैन गेट द जॉब इन यूनानी कॉलेजेस एज प्रोफेसर और रिसर्चर। नेक्स्ट कोर्स इज BHMS, मीन्स बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। यह कोर्स भी दोस्तों 5.5 ईयर का होता है और इसमें आप डॉक्टर इन प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, यू कैन वर्क इन कंपनीज दोज डील विद होम्योपैथिक प्रिपरेशंस, गेट द जॉब इन होम्योपैथिक कॉलेजेस एज प्रोफेसर और रिसर्चर। नेक्स्ट जो कोर्स है BDAS, इसमें इसका फुल फॉर्म जो होता है वो बैचलर ऑफ डिज़ाइन होता है। तो आप BDAS कोर्स जो होता है आप वेरियस 3 सब्जेक्ट में ले सकते हैं, लाइक नंबर 1 इज फुटवेयर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन, नेक्स्ट इज द फैशन डिज़ाइनिंग, नेक्स्ट इज द लेदर गुड्स एंड एसेसरी डिज़ाइनिंग। कोर्स ड्यूरेशन 4 ईयर का होता है और इसका स्कोप जो है आप प्रोडक्शन एंड प्लानिंग में, क्वालिटी प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, मार्केटिंग एंड मर्चेंडाइजिंग में, डिज़ाइन डायरेक्टर में, फैशन डायरेक्टर, एक्सपोर्ट मर्चेंडाइजिंग, आप इन फील्ड के अंदर अपना जॉब ऑब्टेन कर सकते हैं BDAS करके। नेक्स्ट इज द BSc नर्सिंग। यह कोर्स 4 ईयर का होता है और इसमें आप नर्सिंग एडवाइज़र टू इंडियन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग असिस्टेंट और सुपरवाइज़र, टीचर्स एंड नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स, यू कैन जॉइन फॉर MSc नर्सिंग, न्यूरोसाइंस, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, एंड यू कैन गेट योर जॉब्स इन हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, क्लिनिक्स, रेलवे एंड डिफेंस इन इंडिया और एब्रॉड। नेक्स्ट कोर्स इज BPT, मीन्स बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये कोर्स दोस्तों 4 ईयर का होता है और इसके तहत आप स्पोर्ट्स टीम ज्वाइन कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल में ज्वाइन कर सकते हैं, इवन आप हेल्थ इंस्टीट्यूशंस या फिटनेस सेंटर, प्राइवेट क्लिनिक्स, आप इन क्षेत्रों में आप अपना रोजगार, आप जॉब्स अपनी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द BPharm, मींस बैचलर ऑफ फार्मेसी। यह कोर्स 4 ईयर्स का होता है। इसके अंदर आप ड्रग इंस्पेक्टर, टी
टीचिंग इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, ड्रग साइंटिस्ट, सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो यू कैन डू योर एम फार्मा और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। आप इस तरह के हायर डिग्री के साथ आप जॉब्स ऑप्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डी फार्म। यह कोर्स दोस्तों 2 साल का होता है और इसमें आप कोई भी फार्मास्यूटिकल फर्म्स ज्वाइन कर सकते हैं, आप अपना केमिस्ट शॉप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस। यह कोर्स 3 ईयर का होता है। यू कैन गेट द जॉब इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनजीओज, आरएनडी फर्म, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटीज, पॉल्यूशन कंट्रोल, इनके तहत आप अपना जॉब्स इनमें ऑप्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बीएससी जेनेटिक्स। दोस्तों इसका कोर्स ड्यूरेशन 3 ईयर का होता है और इसके तहत आप जेनेटिक इंजीनियरिंग, वर्क इन मॉलिक्यूलर लैब, हेल्थ केयर सेंटर्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मेडिकल रिसर्च, आप इनमें जॉब्स ऑप्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस। यह कोर्स 3 ईयर का होता है। इसके तहत आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जॉब ले सकते हैं या आप क्लिनिकल रिसर्च में फॉरेंसिक कंप्यूटर एनालिस्ट बन सकते हैं, फॉरेंसिक साइंटिस्ट बन सकते हैं या साइंटिफिक लेबोरेटरी टेक्नीशियन बन सकते हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं या किसी स्टेट या सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बीएमएलटी मींस बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। दोस्तों यह कोर्स 3 ईयर का होता है। इसके तहत आप लैब असिस्टेंट बन सकते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, जूनियर टेक्निकल एग्जीक्यूटिव, लैब मेडिसिन टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नीशियन, आप इनमें अपना जॉब अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बीएससी मेडिकल साइंस। यह भी कोर्स 3 ईयर का होता है और इसके तहत आप टीचिंग इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बायोमेडिकल साइंसेज इंस्टीट्यूशंस और साइंस रिसर्च लेबोरेटरी, आप इनमें अपना जॉब ऑप्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स इज बीएफएससी मींस बैचलर इन फिशरीज साइंसेज। यह कोर्स दोस्तों 4 ईयर का होता है और आप इसके अंदर फिश ट्रेडर, फिश ब्रीडर, मैराइन बायोलॉजिस्ट या मैराइन साइंटिस्ट जैसे जॉब्स आप इसमें ऑप्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द बैचलर इन साइंसेज इन वेरियस स्ट्रीम। सो आप दूसरे और सब्जेक्ट में भी बीएससी ऑप्टेन कर सकते हैं, जैसे बीएससी इन बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री, बीएससी इन एग्रीकल्चर, बीएससी इन हॉर्टिकल्चर, बीएससी इन होम साइंस, बीएससी इन एनिमेशन। नाउ आफ्टर बीएससी आप क्या करेंगे? आफ्टर बीएससी यू कैन डू योर एमएससी इन योर रिलेटेड स्ट्रीम, देन यू कैन डू पीएचडी इन योर रिलेटेड स्ट्रीम, देन यू कैन डू नेट लाइक सीएसआईआर, ICAR for career in college teaching, and you can do B.Ed for career in school teaching. You can become a scientist in ICAR, ICFRI, ICMR, DRDO, ISRO, IISc, NII. Then agriculture students also become agriculture officer in state or central government banks like NABARD by All India Test. Now thanks for watching. Learn, like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.